गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक जीके यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 4 जो है 29 चैप्टर होगा हमारा। इससे पहले हम कर चुके हैं कितने 28 तक इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक, तो ये आपको हो चुका है। इसके बाद अब हम करेंगे यूनिट 4 आवर इंडिया, ठीक है, रिफॉर्मर्स। तो इसमें हमारे क्या पिक्चर्स ऑफ सम ग्रेट पर्सन्स आर गिवन बिलो एंड अंडर ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट्स फाउंडेड बाय हिम और हर। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द क्यू बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं हमको, इन पिक्चर्स को देखते हुए हमको बताना है ये कौन है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको नीचे हेल्प बॉक्स भी दी हुई है, बस इसका आपको नेम बताना है, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर देख के आपको लग रहा होगा कौन है, इनको पहचानते होंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें हेल्प दी होती है, पीछे भी दी होती है, आप पीछे से क्लास में होते हैं तो आप कर लेते हो, पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से कर लेते हो। तो इसमें भी हम आसानी से इसी से करेंगे, हेल्प लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भी। तो फर्स्ट जो है हमारा ये है 1 पे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां जो हमारा इसमें दिया हुआ है। पहले इसमें नेम्स ये दिया हुआ है, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। फिर आप ऐसे ही लगाएंगे, कोई वो नहीं है कि आपको बहुत जल्दी करना है, आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। तो सारे नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, 1 डाल दो चाहे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। फिर उसके बाद सेकंड है आपका, ये तो आपको पता होंगे कौन है आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड है आपके इसमें जो दिए हैं, ओके, यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर, बट ये भी लिखना है आपका फर्स्ट को जो सर सैयद अहमद खां है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इन्होंने किया है, जिसके ये नाम से हैं, तो सर यूनिवर्सिटी है इनके नाम से जो यहाँ पर दी हुई है अलीगढ़, ये इसको मैच कर रहा है एक तरीके से, आपको सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं वहीं बता दूँगी आपको, एक बता दिया मैंने। तो इसका जो हेल्प बॉक्स है तो आप लोग अपनी नोटबुक में तो आसानी से कर सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह से ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको मैच करना होगा इसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। सेकंड के बाद थर्ड है हमारे, थर्ड दिया है आपका विनोबा भावे को आप मैच करेंगे भूदन मूवमेंट। विनोबा भावे पहले देखिए आप कहाँ हैं आपके, ये हैं विनोबा भावे को आप मैच करेंगे ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद है आपके ये फर्स्ट है, ये सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये थर्ड है विनोबा भावे, ऐसे मैच कर लेंगे। फिर फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका स्वामी विवेकानंद को आप मैच करेंगे रामकृष्ण मिशन,
स्वामी विवेकानंद, 4 डाल दीजिए इसमें। इसके सामने ये रामकृष्ण मिशन। 5th है आपका जो दिए हैं ये पिक्चर से रिलेटेड, महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद को आप मैच करेंगे आर्य समाज से। महर्षि दयानंद 5th डाल लो, आर्य समाज। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय, सॉरी 5th के बाद 6th है आपका, 6th है आपका इसमें देखिए एनियन बीसेंट। यस, इसको आप मैच करेंगे एनियन बीसेंट को। थियोसफिकल सोसाइटी, सेवेंथ है आपका। राजा राम मोहन राय को हम मैच करेंगे ब्रह्म समाज। उसके बाद आपका बच्चा लास्ट है 8th, सर ए ह्यूम। इसको मैच करेंगे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।